हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशनिस्टा। मैं हूँ पूनम और ये है हम कोपरगांव स्टेशन और हम आए हैं शिरडी दर्शन करने। इस बार हम लोग उतरे हैं कोपरगांव। आप मनमाड भी उतर सकते हैं, शिरडी भी उतर सकते हैं, बट हमें वहाँ का रिजर्वेशन नहीं मिला तो हम उतरे हैं कोपरगांव। और ये देखिए, ये है कोपरगांव स्टेशन। शिवाय फर्स्ट टाइम आया है शिरडी, सो ये स्पेशल ट्रिप है। तो ये देखिए, ये है शिवाय। शिवाय का हम प्रैम भी लेके आए हैं जिससे कि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, इजी हो जाएगा घुमाना। और अब हम बैठ गए हैं ऑटो में। यहाँ से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ऑटो के लिए, बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला था। सो अब हम पहुँच गए हैं होटल। और अब हम जा रहे हैं बाहर। सो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, हम लोग फ्रेश होके दिन में थोड़ी देर रेस्ट किया और ये है एक्चुअली होटल के बाहर का व्यू। शिरडी में बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि आप कहीं आउटर प्लेस पर आए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ऐसे पूरे ये होटल्स ही बने हुए हैं और वॉकिंग डिस्टेंस पे है जो टेम्पल है। दिन में ऐसा व्यू था होटल से, आप देखिए इस तरह से सारे होटल्स दिखाई देते हैं। और ये देखिए, इस तरह का पूरा व्यू है। और ये देखिए, शिवाय को यहाँ पे, शिवाय खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। अभी हम एक्चुअली बाहर जा रहे हैं इवनिंग का टाइम है। और ये देखिए, मतलब इवनिंग क्या, नाइट ही हो गई है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर साइड, दर्शन करेंगे और वहाँ आसपास पूरा एरिया है, वहाँ घूमेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से शिवाय को प्रेम में बिठा लिया है और अभी हम लोग इस तरह से घूमने जा रहे हैं। ये एक होटल के बाहर लिखा हुआ था आई लव शिरडी। और यहाँ पे आपको हर होटल में साईं बाबा की फ़ोटो मिल जाएगी। और ये देखिए, ये है यहाँ का मार्केट, मतलब मंदिर के आसपास ना पूरा इस तरह से मार्केट बना हुआ है जहाँ पर शॉप्स हैं, सब कुछ मिल जाता है, काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स हैं। और ये पूरा अरेंजमेंट है जहाँ से इस तरह से लाइन लगती है शिरडी के लिए। जब बहुत ज़्यादा रश होता है तो बाहर से ही लगती है, इस तरह से पूरा टीन शेड लगा हुआ है। यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं। और ये है एक प्रसाद की शॉप। और ये देखिए, इस तरह से पूरी लाइन है, स्टील की रेलिंग लगी हुई है। प्रॉपर यहाँ पे सारे अरेंजमेंट हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सबकी लाइंस लगी होती हैं। और काफ़ी सारे हॉल बने हुए हैं, उनमें से आपको जाना होता है। सो ये देखिए, ये शिवाय मस्ती कर रहा है, प्रेम में बैठा हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए, एक ये शॉप है और एक ये साड़ी की शॉप है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर पैठनी साड़ी वगैरह मिल जाती है। और ये एक मॉल बना हुआ है छोटा सा, मतलब इसमें सारी शॉप्स हैं। यहाँ पे शोपीस आइटम भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। और हम लोग फाइनली आए हैं यहाँ पे खाना खाने। कोई बहुत अच्छा सा होटल सर्च कर रहे थे तो अभी हम यहाँ आए हैं, ये हमें अच्छा लग रहा था। घोड़ा आया घोड़ा।
बस अब हम यहाँ से डिनर करके और जाएंगे होटल। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। सो हाय, गुड मॉर्निंग। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्यू, ये शिवाय। और सुबह सुबह हम लोग निकले हैं, और पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सनीश सिग्नापुर। अभी हम निकल गए हैं सिग्नापुर के लिए। और ये देखिए, हमने यहाँ से कैब कर ली थी, यहाँ से बहुत ही इजीली आपको कैब मिल जाएगी। आप किसी भी होटल से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिसेप्शन से नंबर मिल जाएंगे इजीली कैब वालों के, कोई भी आपको अवेलेबल करा देगा। और नॉर्मली भी वहाँ से कैब चलती हैं, जैसे पर पर्सन भी चार्ज कर लेते हैं वो लोग, इस तरह से भी ले जाते हैं। बाकी हमने बुक कर ली थी बिकॉज हम 6 पर्सन थे। सो इस तरह से ये देखिए, बहुत ग्रीन ट्री, थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी, बहुत ही अच्छा व्यू है। सो अभी हम जा रहे हैं और हम पहुंच गए हैं सनी सिग्नापुर। ये देखिए, यहाँ पर भी इस तरह से शॉप्स लगी हुई हैं मंदिर के बाहर, और मंदिर का भी यहाँ पर भी एक्चुअली काम चल रहा है। एक बार मैं बहुत पहले आई थी तब बहुत डिफरेंट था सब कुछ, अभी बहुत डिफरेंट हो गया है। और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से बन रहा है गेट वगैरह, काफ़ी सुंदर सा मंदिर बन रहा है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे पैदल पैदल। ये देखिए कि बाहर से बहुत ही प्यारा सा बनाया जा रहा है इसको, और यहाँ पर भी ऐसे पूरा टीन शेड है, उसके अंदर अंदर इस तरह से जाना होता है। और इस तरह से हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, फिर ये एक एंट्री गेट है। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है शिरडी से सनी सिग्नापुर, सो यहाँ से हम लोग इस तरह से जाएंगे। और ये है शनि जी की मूर्ति, आप देख सकते हैं, और इस तरह से बने हुए हैं ये। पहले यहाँ पे सभी को जाने दिया जाता था, बट अब यहाँ ऐसा नहीं है, अब यहाँ के लिए अलग से पास होता है, देन आप यहाँ जा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं, इस तरह से एक तरफ मंदिर बना हुआ है जहाँ पर सारे गुरुजी वगैरह सबकी मूर्तियाँ हैं, और सामने में ये इस तरह से शनि जी का मंदिर है जिसपे कुछ लोग इस तरह से ऑयल चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रसाद, वहाँ से आप लेके, और यहाँ पे मान्यता ऑयल चढ़ाना होता है, शनि जी को ऑयल चढ़ता है, इसलिए इस तरह से यहाँ पे ऑयल चढ़ा रहे हैं। ये है बाहर का व्यू, काफ़ी बड़े स्पेस में बना हुआ है ये मंदिर भी, बहुत अच्छा लग रहा था। आप देखिए कितने बड़े स्पेस में बना हुआ है। सो अब हम जा रहे हैं रिटर्न, और हम एक जगह रास्ते में रुके हुए हैं जहाँ पे बहुत ही सुंदर सा सजाया हुआ था, झूले लगाए हुए थे, और ये देखिए बॉल से बहुत ही प्यारा सजाया हुआ है। तो यहाँ पे गन्ने का रस वगैरह भी मिल रहा है, सो हम लोग रुके हुए हैं गन्ने का रस पीने के लिए। अब हम आ गए हैं फिर से
डिनर करने। एक्चुअली हम लोग होटल गए थे फ्रेश होके और फिर हम लोग आए हैं डिनर करने, और बिकॉज हमें नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो निकलना है दिल्ली के लिए। सो बस हम जैसे ही थोड़ा सा घूमेंगे और डिनर करके वापस जाएंगे। तो ये अब हम ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, और नेक्स्ट मॉर्निंग में बस हम लोग आ गए हैं साई नगर शिरडी स्टेशन। और एक्चुअली रिटर्न में हमारी ट्रेन यहीं से थी, सबसे इजी है यहाँ से आना बिकॉज ये बहुत ही पास है, 5-10 मिनट में आप स्टेशन पहुँच जाते हैं। ये देखिए साई नगर शिरडी स्टेशन, और अब हम हैं ट्रेन में, शिवाय ट्रेन में बैठा हुआ है, और ये उसका चल रहा है लंच टाइम। सो शिवाय कर रहे हैं अपना लंच, और ये नाइट का है, और अभी हम पहुंच गए हैं दिल्ली स्टेशन मॉर्निंग में। और ये देखिए ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सुबह बाय। और हाँ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।